हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको विश्व की 15 प्रसिद्ध नदियों के बारे में बताएंगे कि उनका उद्गम स्थल कहाँ है और वो गिरती कहाँ पे हैं। तो आइए देखते हैं ये 15 महत्वपूर्ण नदियाँ जिनके उद्गम स्थल और गिरने का स्थान आप बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। ये रिवीजन वीडियो है। तो पहली नदी है नील। नील नदी जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से, और ये आकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। दूसरी नदी है अमेजन जो कि एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। तीसरी नदी है मिसिसिपी जो इतास्का झील यूएसए से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। चौथी नदी है यांगटीसिक्यांग जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिर जाती है। पांचवी नदी है ओब जो कि अल्टाई पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में गिर जाती है। सिक्स नंबर की जो नदी है वो है हुआंगहो जो कि कुनलुन पर्वत से निकलती है और चीन की खाड़ी में गिर जाती है। फिर सातवीं नदी है येनसी जो कि तानुशोवा पर्वत से निकलती है और आर्कटिक सागर में गिर जाती है। आठवीं नदी है नाइजर जो कि गिनी तट से निकलती है, यानी गिनी से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है। नाइन्थ नदी जो है वो है ओल्गा नदी ब्लडाई पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। इसके बाद आती है दसवें नंबर पे सेंट लॉरेंस नदी जो ओंटोरियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। ग्यारहवीं नदी है ब्रह्मपुत्र जो मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बारहवीं नदी है सिंधु जो कि मानसरोवर के निकट शानोखाब हिमानी से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। तेरहवीं नदी है मर्रे जो कि ऑस्ट्रेलियन आल्पस से निकलती है और हिंद महासागर में गिर जाती है। चौदहवीं नदी डार्लिंग नदी है जो कि ऑस्ट्रेलियन आल्प से निकलती है और मर्रे नदी में आके गिर जाती है। पंद्रहवीं नदी है डेन्यूब जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ये बहती हुई काला सागर में गिर जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से बहुत ही शॉर्ट में आप एग्ज़ाम टाइम में इनका रिवीजन कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट का वीडियो है, बहुत ही जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स के पास तक ये वीडियो पहुँच सकें। थैंक यू।